दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिंदास खबरें में। आज 22 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले आप चाहते हैं कि खबरों का सिलसिला आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 419,392 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 2,32,606 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 13,417 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की तो विश्व में 89,62,808 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अच्छी बात यह है कि 47,67,989 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 4,67,579 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सेना को दिया 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड। ये दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा, ऐसे में देश की तीनों सेनाएं तनाव के बीच में हाई अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार ने सारी तैयारियों के मद्देनजर तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि सेना इस इमरजेंसी फंड से अपने जरूरत का सामान खरीद सकती है। सीमा पर तनातनी के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सेना के लिए फंड जारी किया है। सेना को मिली यह बड़ी आर्थिक मदद है। ये दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा पर किसी भी तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी LAC पर मंडरा चुके हैं, ऐसे में तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिया है फैसला। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महामारी की स्थिति को देखते हुए फिलहाल कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करके ली। ये दोस्तों आपको बता दें कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त मीटिंग में फिलहाल कांवड़ यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। धार्मिक गुरुओं और कांवड़ संस्थाओं ने भी कांवड़ यात्रा नहीं करने के बारे में कहा था, अब ये निर्णय ले लिया गया है। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो इन राज्यों की सरकारों ने फैसला लिया है क्या ये उचित है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन से मुक्ति के क्या है रास्ते, बाबा रामदेव ने बताए हैं 4 चरण। दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने चीन की चालबाजी से निपटने के लिए 4 रास्ते सुझाए हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि योग से अज्ञान और बीमारियों से मुक्ति तो पाई जा सकती है, मानसिक और आध्यात्मिक शांति तो हासिल की जा सकती है, लेकिन चीन से मुक्ति के 4 चरण हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी बात को समझाते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि पहली बात तो ये है कि हमारी सेना और सरकार मजबूत है और वो चीन को घर में घुसकर मात देने में सक्षम है, लेकिन बात इतने से नहीं बनेगी। ये दोस्तों आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा कि चीन में बनने वाले सामान का विकल्प हमें भारत में प्रस्तुत करना होगा, चाहे वो मोबाइल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने या मेडिकल या दूसरे आइटम। उन्होंने कहा कि चीन से आयात पर ड्यूटी बढ़ानी होगी और भारत में तैयार होने वाले आइटम को हमें बढ़ावा देना होगा, उन्हें टैक्स में भी छूट देनी होगी। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के लिए मुहिम चला रहे बाबा रामदेव ने कहा कि पूरे देश के लोगों को चीन का बहिष्कार करना चाहिए क्योंकि चीन विश्वासघाती देश है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में लेफ्ट विचारधारा के लोगों को भी शामिल होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि चीन से मुक्ति का 4th चरण बताते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि चीन से पूरी दुनिया में नाराजगी है और चीन को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की कोशिशों का भारत को नेतृत्व करना चाहिए। दोस्तों बाबा रामदेव ने किस आसानी से ये बता दिया कि चीन को कैसे पछाड़ा जा सकता है, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि प्लाज्मा थेरेपी के बाद सत्येंद्र जैन की तबीयत में सुधार, कल सामान्य वार्ड में किए जाएंगे शिफ्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत में रविवार को सुधार हुआ है। उनके कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार को प्लाज्मा थेरेपी के बाद से उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। प्लाज्मा थेरेपी का जैन की तबीयत पर सकारात्मक असर पड़ा है। आपको बता दें कि ये बताया गया है कि उनका बुखार अब थम गया है और ऑक्सीजन लेवल भी पहले से बेहतर है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें सोमवार को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये दोस्तों आपको बता दें कि मालूम हो कि 17 जून को सत्येंद्र जैन महामारी पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें पहले पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। इसके बाद उन्हें साकेत के मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई। उसके बाद से उनकी हालत में सुधार है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीनी निर्भरता कम करने के लिए योगी सरकार का ODOP मिशन, दिख रहा है इसका असर। ये दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद बढ़ने के बाद से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर
रहे हैं। वहीं चीन से कारोबारी रिश्ते बिगड़ने पर यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना बनाई जा रही है, यानी कि एक जिला एक उत्पाद के लिए एक बड़ा बाजार तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की थी। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के सामानों के बहिष्कार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ODOP उत्पादों को प्रमोट करने की योजना बनाई है। इसके लिए जुलाई के पहले हफ्ते में एक वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रदर्शनी के जरिए योगी सरकार देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही दूसरे देशों के कारोबारियों का ध्यान भी ODOP की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग इस प्रदर्शनी की तैयारियों में जुटा हुआ है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, दिल्ली से लेकर जम्मू तक दिखा अद्भुत नजारा। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत के उत्तरी हिस्सों में रविवार सुबह लगभग 10:25 से वलयकार सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना शुरू हुई। सूर्य ग्रहण अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में देखा गया। दिलचस्प बात ये रही कि ग्रहण का पीक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई दिया, जो सुबह 10:25 से शुरू होकर 12:08 पर अधिकतम और 1:54 पर समाप्त हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि अगला वलयकार सूर्य ग्रहण भारत में अगले दशक में दिखाई देगा, जो 21 मई 2031 को होगा, जबकि 20 मार्च 2034 को पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने सूर्य ग्रहण देखा? कमेंट करके जरूर बताएं। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारतीय रेलवे आपके घर तक पहुंचाएगा आपका पार्सल, शुरू किया ये सर्विस। या दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे महामारी के इस दौर में भी यात्रियों और अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रही है। लॉकडाउन में लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए रेलवे ने खास पार्सल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई थी। अब रेलवे ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके बुक कराए गए पार्सल को उनके घरों तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। फिलहाल ये सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेंट्रल रेलवे में चलाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि सेंट्रल रेलवे ने लोगों के घरों तक पार्सल पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग के साथ समझौता किया है। रेलवे के पार्सल विभाग से लोगों के घर तक पार्सल पहुंचाने का काम डाक विभाग करेगा। इस सुविधा का फायदा व्यक्ति या कोई भी कंपनी या कारोबारी ले सकता है। इस सुविधा के लिए मामूली शुल्क देना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल ये सुविधा मुंबई, पुणे और नागपुर के लिए शुरू किया गया है, परंतु हो सकता है कि बहुत जल्द ये पूरे देश के लिए शुरू किया जा सकता है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गूगल ने प्ले स्टोर से हटाई ये 30 ऐप, आप भी फोन से तुरंत कर दें डिलीट। ये दोस्तों आपको बता दें कि गूगल ने खतरनाक मेलवेयर के चलते 30 पॉपुलर ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। अब आप उन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। गूगल ने बताया कि इन ऐप में खतरनाक मेलवेयर मिला है, जिसकी वजह से इनको प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। अगर आपके फोन में भी इनमें से कोई भी ऐप है तो आप तुरंत ही उसको अनइंस्टॉल कर दें। ये दोस्तों आपको बता दें कि नए यूजर्स इन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अब तक इन ऐप को 2 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। गूगल ने यूजर्स को इन ऐप को तुरंत ही अपने फोन से हटाने की सलाह दी है। दोस्तों अगर आपके फोन में भी इस तरीके का कोई भी ऐप है तो उसे तुरंत ही अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज, सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। ये दोस्तों आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज कर ली है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा क्या हुआ था कि सुशांत ने सुसाइड करने का फैसला लिया। इस बीच एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बिहार में सुशांत के इस करीबी दोस्त पर केस दर्ज किया गया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उन्होंने सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया था। जी हां, मुजफ्फरपुर के पताही के रहने वाले कुंदन कुमार ने रिया चक्रवर्ती पर यह बड़ा आरोप लगाया है। इस सिलसिले में उन्होंने शनिवार को CGM कोर्ट में अपनी याचिका भी दायर कर दी। मामले पर 24 जून को सुनवाई होने जा रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने भी रिया चक्रवर्ती से पूरे 9 घंटे तक पूछताछ की थी। अब क्योंकि वो सुशांत के इतने करीब थी, ऐसे में उन्हीं से यह समझने की कोशिश की गई कि सुशांत ने आखिर सुसाइड क्यों किया। वैसे कुछ दिन पहले एक और वकील ने बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस लिस्ट में करण जौहर से लेकर एकता कपूर तक कई दिग्गजों का नाम था। इन सभी पर सुशांत का करियर बर्बाद करने का आरोप लगा था। या दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, SCO ने कहा कि महामारी संकट काल में भारत बना वैश्विक दवा का केंद्र। या दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के दौरान भारत दवा के क्षेत्र में अपने विशाल अनुभव और गहरे ज्ञान के साथ वैश्विक दवा का केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव ने ये बात कही। या दोस्तों आपको बता दें कि PTI की खबर के मुताबिक भारत ने इस महामारी के मद्देनजर अब तक 133 देशों को दवाइयों की आपूर्ति की है, जो उसकी उदारता को दर्शाता है। जबकि भारत सरकार को अपने यहाँ व्यापक पैमाने पर लोगों के इलाज के लिए आपातकालीन उपाय करने पड़े। दोस्तों आपको
बता दें कि महासचिव ने कहा कि एक प्रमुख शक्ति के योग्य और जिम्मेदार व्यवहार का उदाहरण है। या दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि भारत के योग्य विज्ञानी और चिकित्सा पेशेवर महामारी का अध्ययन करने और अनुसंधान करने और टीके का विकास करने में विश्व समुदाय के साथ सक्रिय रूप से भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के दवा के केंद्र की भूमिका निभा रहा है और महामारी को देखते हुए यह बहुत ही अहम है। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आंध्र प्रदेश में 10वीं की परीक्षाएं रद्द, शिक्षा मंत्री ने की है पुष्टि। या दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 10वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, अब ये परीक्षाएं नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यह जानकारी राज्य शिक्षा मंत्री एस सुरेश ने दी है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की कि 10 जुलाई से शुरू होने वाली SSC की परीक्षाएं महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए रद्द की जा रही है। या दोस्तों आपको बता दें कि 10 से 15 जुलाई 2020 तक आयोजित होने वाली आंध्र प्रदेश SSC परीक्षा के लिए 6,00,000 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, हालांकि महामारी को देखते हुए अब परीक्षा रद्द कर दी गई है। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की। या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने उसके अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा 19 जून को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी को भी किसी प्रकार के अवकाश अत्यंत विषम परिस्थितियों में ही दिया जाएगा। आपको बता दें कि सभी तरह के कर्मचारियों और निदेशकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी किसी अवकाश पर हैं, वे अपने संबंधित अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में किसी भी हाल में ड्यूटी पर तत्काल लौटें। इसमें कहा गया है कि अब कर्मचारियों को किसी भी तरह की छुट्टी केवल अत्यंत विषम परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। दिल्ली में महामारी के मामले तेजी से बढ़ने के बीच में ये आदेश जारी किया गया है। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, कहा कि चीन की भाषा बोल रहे हैं पीएम मोदी। या दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चीन की भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सीमा में न कोई घुसा है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। यह बात तो चीन भी बोल रहा है कि हमने भारत की सीमा में कोई घुसपैठ नहीं की। तो आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया है कि अगर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ नहीं की और कोई भारतीय क्षेत्र में नहीं आया तो ये झड़प कैसे हो गई। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन विवाद पर केंद्र को मिला YSR कांग्रेस का साथ, CM जगन बोले एकता दिखाने का समय। या दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष के सवालों से घिरी केंद्र सरकार को पीएम के बयान पर सफाई देनी पड़ी थी। अब मोदी सरकार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी का साथ मिला है। जगन ने ट्वीट करके सर्वदलीय बैठक को लेकर उत्पन्न विवाद पर चिंता जताई और कहा कि यह समय एक साथ एकता दिखाने और मजबूती दिखाने का है, कमियां ढूंढने का नहीं। या दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों ने सर्वदलीय बैठक में संतोषजनक जवाब दिए। देश इस मुद्दे पर एकजुट है और होना भी चाहिए। एकता से ताकत और बंटने से कमजोरी प्रदर्शित होती है। मुख्यमंत्री जगन ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पूरा समर्थन देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सरकार को अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में बिना राजद अलग गठबंधन होगा तैयार, जीतन राम मांझी ने शुरू की तैयारी। या दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ जहां कई राजनीतिक गठबंधन पार्टियां अपने कार्यक्रम तय कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर घमासान मचा हुआ है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने 25 तारीख के बाद अलग रुख अपना लेने का ऐलान पहले ही कर दिया था। या दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को उन्होंने एक नया फार्मूला देते हुए महागठबंधन के अलावा दूसरा गठबंधन तैयार करने की बात कहकर RJD को सकते में डाल दिया है। मांझी ने ऐलान करते हुए कहा कि 25 जून तक अगर RJD समन्वय समिति बनाने की बात पर सहमत नहीं होता है तो RJD को अलग करके एक अलग गठबंधन तैयार करना होगा। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि निर्देशक का सनसनीखेज दावा, सलमान खान की बीइंग ह्यूमन को बताया मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा। या दोस्तों आपको बता दें कि jagran.com की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म निर्माता अभिनव कश्यप ने आरोप लगाया है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की चैरिटेबल संस्था बीइंग ह्यूमन सिर्फ एक छलावा है। दबंग के निर्देशक ने यह भी आरोप लगाया कि चैरिटी के नाम पर यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। अभिनव कश्यप ने यह आरोप शुक्रवार शाम को एक फेसबुक पोस्ट में लगाया। इसमें उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच करने का अनुरोध भी किया है। या दोस्तों आपको बता दें कि इस पोस्ट में अभिनव कश्यप ने लिखा है कि जनाब सलीम खान का सबसे बड़ा आइडिया बीइंग ह्यूमन है। बीइंग ह्यूमन की चैरिटी महज एक दिखावा है। दबंग की शूटिंग के दौरान मेरी आंख के सामने 5 साइकिल बढ़ती थी और अगले दिन अखबारों में छपता था कि दानवीर सलमान खान ने 500 साइकिलें गरीबों में बांटी। सारी कोशिश सलमान खान की गुंडे मवाली वाली छवि सुधारने की थी ताकि इनके तमाम केसेस में मीडिया और जज इन पर थोड़ी रियायत बरतें। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरीके के जो
आरोप लग रहे हैं, क्या इनमें सच्चाई है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पत्रकारों और विपक्षियों को जेल में डालते हैं और चीन और अमेरिका के सामने दुम दबा लेते हैं, कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद के बीच सीपीआई नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार ने बिना नाम लिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने देश के पत्रकारों और विपक्षियों को आंख दिखाते हैं और चीन और अमेरिका के सामने दुम दबा लेते हैं। कन्हैया ने रविवार यानी कि 21 जून 2020 को ट्वीट करके कहा कि बिहार में एक कहावत है, घर हरावन बाहर जितावन, साहेब भी ऐसा ही कर रहे हैं। अपने देश के विद्यार्थियों, पत्रकारों, विपक्षियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आंख दिखाते हैं, उन्हें जेल में डालते हैं, मगर चीन और अमेरिका के सामने दुम दबा लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सीपीआई नेता के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है, कई यूजर्स ने उन्हें निशाने पर भी लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तानी भाव लिखते हैं कि बिहार में एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और कन्हैया कुमार एक लात और भूत है। और एमडी हाशिम लिखते हैं कि मोदी चीन के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, मोदी देश को धोखा दे रहे हैं, वो देश से झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गौतम तिवारी लिखते हैं कि यह चौकीदार सिर्फ नाम का चौकीदार है, काम का नहीं। यह चौकीदार न देश के लिए बोल पाता है, न ही लड़ पाता है। चौकीदार साहब सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपने हित के लिए सोचते हैं, बाकी जनता के लिए कुछ नहीं सोचते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।